हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाय प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी संविधान के आर्टिकल पर आधारित प्रश्न पढ़ाए थे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्दी से जल्द पहुंचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उनका किस में उल्लेख है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा अनुच्छेद 15 से 20, मतलब 15 से 20 में अनुच्छेद के, और ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 26 से 34, और ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि 36 से 51, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 से 64। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 36 से 551, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्शता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। एक सेकंड, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता ठीक का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 51, आर्टिकल 13, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 24, ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 17। मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 17, यानी 17 इज राइट आंसर इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारा अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 123, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अगर आपको मेरी PDF चाहिए तो आप मेरे टेक्निकलगाम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा प्रभात स्टडी अड्डा नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 335, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान, एक सेकंड पॉइंट को थोड़ा हल्का करते, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के में विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति का प्रावधान दिया गया है। मतलब राज्य में विधान परिषद की स्थापना, राज्य में मतलब स्टेट में विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति का प्रावधान दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12, और ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 169,
और इसका डी ऑप्शन हमारा कह रहा है आर्टिकल 11। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 169, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभाव बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, जरा प्रॉब्लम हो गई। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 2, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 287। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 253, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 यानी कि 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 112। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी की ओर जाता है। वो कह रहा है अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय मतलब भारत की विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति है वो हमारे किस संविधान के अनुच्छेद 51 में उसको दर्शाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 51। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्टार बना के अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत में जितने लोग रहते हैं सबका कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मतलब पर्यावरण को देख रेख करना है और उसमें अगर कुछ सुधार है उसको सही करना है, कोई गलतियां हैं मतलब पेड़ नष्ट काटे जा रहे हैं तो उसको मना भी करना आपको, ठीक। और तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, ठीक। तो इसका हमारा ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 126 और ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48A। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 48 के तहत हम प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार का कथन संविधान के अनुच्छेद 48A में बताया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद हैं, ठीक। 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 25, मतलब अनुच्छेद जो हमारे हैं 19 से 25 है के बीच में है, या फिर अनुच्छेद 25 से 31 में है, या फिर ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 51 से 57 में है, या फिर ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 14 से 18 के मध्य में, मतलब मध्य क्या 14 से 18 तक है, ठीक है, 14 से 18 तक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है,
9 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जो है, ठीक, दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा अनुच्छेद जो 371 है, 371, और तो ये हमारा मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और है, 371 जो धारा है ना, वो किस मतलब राज्य से ख़त्म कर दी गई है? ठीक है, तो ये हमारी 371 धारा जो हमारी है वो हमारे जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दी गई है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते, कह रहा भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वो 352 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति पे राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? मतलब जब हमारे देश में, ठीक, राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल, मतलब व्यवस्था जब फेल हो जाती किसी राज्य की, स्टेट की, ठीक है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसका प्रावधान किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, और ऑप्शन डी कह रहा अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 356। जब किसी देश में, मतलब भारत देश के किसी भी राज्य में, जब हमारा राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, ठीक, तो वो आर्टिकल हमारा 371 के तहत, 356 के तहत ही लगेगा। ठीक, 356 के तहत लगेगा, एक सेकंड, 356 के तहत लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता, मतलब किस अनुच्छेद के तहत हमारे राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो वो आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा अनुच्छेद 355, और ऑप्शन बी कह रहा अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी कह रहा अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 के तहत हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। जब कहीं भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो आर्टिकल 360 को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 338, और ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पे भ्रमित हो सकते हैं, ठीक, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। अब आइए दोस्तों समझते क्वेश्चन को एक बार फिर से। कह रहा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान, ठीक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक राष्ट्रीय आयोग, मतलब एक कमेटी का गठन हुआ, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये दो अनुच्छेदों में आता है हमारा। पहला अनुच्छेद हमारा 338 आता है, इसका एक पार्ट होता है 330, मतलब 338 ए। ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? मतलब राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, विदेशी होते हैं ना एंग्लो इंडियन लोग, समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए कह रहा अनुच्छेद 333, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, और ऑप्शन डी कह रहा अनुच्छेद 51। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 333, यानी कि ऑप्शन ए, आर्टिकल 333। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? एंग्लो इंडियन के लिए समुदाय का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 333, और अनुच्छेद 251, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 360। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत संविधान, मतलब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान है। जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो हमारे लोकसभा में, उनका प्रावधान अनुच्छेद 331 में है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि हमारा और भी मोटिवेशनल होता रहे, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।